हेलो फ्रेंड्स, और जस्ट आप इमेजिन करो, आप एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाते हो जहां पे एंटर होते ही आपको अपने सर का पीछे का हिस्सा विजिबल होने लगे। या ये इमेजिन करो कि जैसे ही आप एक इंसान को टच करते हो वैसे ही उसके बॉडी पार्ट्स अंदर बाहर रोटेट होने लगते हैं, बिल्कुल इस 5D स्पेस टाइम में रोटेट हो रही क्यूब की तरह। फिफ्थ डायमेंशन को इमेजिन करना और इसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, और आप इसे इतनी आसानी से समझ भी नहीं सकते हो। लेकिन चलिए हम इसे समझने के लिए बेसिक डायमेंशन से ही शुरू करते हैं, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री से। सो दोस्तों, बात है 300 BCE की, जब 2D और 3D शेप्स की बात ग्रीक टाइम के सबसे महान मैथमेटिशियन यूक्लिड ने अपने बुक यूक्लिड्स एलिमेंट्स में की थी, और वहां से जो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी अगले 2000 सालों तक दुनिया भर में यूज होने वाली थी। लेकिन 2000 साल तक इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद अचानक से दुनिया ने यूक्लिड के इस डायमेंशन के थ्योरी से अपना मुंह फेर लिया। वेल, आखिर क्यों? यूक्लिड के ज्योमेट्री के अनुसार पॉइंट ए को पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के लिए जो पाथ क्रिएट होगा वो होगा द शॉर्टेस्ट पाथ, और फिर चाहे वो दोनों पॉइंट्स अर्थ पर ही क्यों ना हो। पर जब पहली बार इंसान अपने शिप्स को लेकर अर्थ का चक्कर लगा रहा था तब उन्होंने ये देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। इसका मतलब यूक्लिड का जो एक्सप्लेनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल था, कर्व्ड सरफेस के लिए नहीं। जैसे इस इमेज में देखिए, प्लेन सरफेस के लिए स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ है, पर कर्व्ड सरफेस के लिए स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कर्व्ड सरफेस के लिए एक थ्योरी इजाद हुई, जियोडेसिक्स, टू स्टडी शॉर्टेस्ट पाथ इन कर्व्ड सरफेस, जिसके बाद उन्होंने रिसर्च को कंटिन्यू ही रखा, और फाइनली 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया, द फोर्थ डायमेंशन। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है कैच। साइंटिस्टों के हिसाब से फोर्थ डायमेंशन स्पेस हो या फिफ्थ डायमेंशन स्पेस टाइम, हम सिर्फ 3D स्पेस टाइम को ही देख सकते हैं। आखिर क्यों? वेल, क्योंकि हम जिस फोर्थ डायमेंशन का हिस्सा हैं, हम सिर्फ हमसे लोअर डायमेंशन को ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 2D ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट ही देख सकता है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये 2D ऑब्जेक्ट बस उस 3D ऑब्जेक्ट के परछाई को ही देख सकेगा, उसको वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। पर अगर मैंने ये पूरा एंगल ही चेंज कर दिया, अगर मैं थर्ड डायमेंशन के ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इस पूरे सीन को देखूं, तो 3D ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट को भी देख पाएगा और 1D ऑब्जेक्ट को भी देख पाएगा। क्या इसका मतलब हम जैसे 3D बींग्स कभी भी 4D ऑब्जेक्ट को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे? वेल, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, आपको स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। अब ये पॉइंट 0th डायमेंशन का है। अब अगर मैं इस पॉइंट को कॉपी करके स्क्रीन पर कहीं भी पेस्ट कर दूं और दोनों को कनेक्ट कर लूं, तो क्या फॉर्म होगा? एक लाइन, और ये है हमारा फर्स्ट डायमेंशन। अब अगर लाइन को कॉपी पेस्ट करके मैं इनके पॉइंट्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करूं, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा जो कि है 2D। अब अगर दो रेक्टेंगल लें और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दें तो एक क्यूब मिलेगा जो कि एक 3D फिगर है। अब 4D ऑब्जेक्ट के लिए हम दो क्यूब लेंगे और इनके वर्टाइसेस को मिला देंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा डायग्राम, विच इज नोन एज टेसरेक्ट। सो इस तरह से बेसिकली आप फोर्थ डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हो। आई नो इट इज स्टिल टफ टू इमेजिन, बट इट इज द इजिएस्ट एग्जाम्पल। नाउ सवाल ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने की हमें जरूरत क्या है? वेल, जरूरत है। जब साइंटिस्ट डार्क मैटर की खोज कर रहे थे तब उन्हें फिफ्थ डायमेंशन का रास्ता मिल गया। जब फिफ्थ डायमेंशन को उन्होंने बारीकी से समझा तब उन्हें पता चला कि ये डार्क मैटर तो बस एक नॉर्मल फर्म्यून पार्टिकल से बना है जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में हमारे डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जंप कर गया। यस, वेल, आज से करीब 100 साल पहले जब विश्व भर में फेमस बिग बैंग थ्योरी की बात चल रही थी, तब हर साइंटिस्ट के मुंह में सिर्फ एक ही बात थी कि चारों ओर फंडामेंटल फोर्सेस जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सारे बिग बैंग के वक्त एक ही सिंगल फोर्स हुआ करते थे। और अगर देखा भी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक साथ आपस में इमेजिन करना भी आसान था, पर जैसे ही कोई ग्रेविटी को बाकी तीनों से जोड़ने की कोशिश करता सारे के सारे महारथी साइंटिस्ट फेल हो जाते, मानो ग्रेविटी और बाकी तीनों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन ना हो। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हमारे फोर्थ डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का सारा खेल समझने के लिए जब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ली, तब उन्होंने दो यूरोपियन फिजिसिस्ट थियोडोर कलूजा और ऑस्कर क्लेन की मदद ली अपने थ्योरी को आगे मैथमेटिकली फिफ्थ डायमेंशन में बढ़ाने के लिए। और तब उन्होंने जो डिस्कवर किया वो काफी फैसिनेटिंग था। उन्होंने ये पाया कि ये इक्वेशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आपस में जोड़ रहा है इन फिफ्थ डायमेंशन। अब ये कैसे? वेल, कलूजा क्लेन की ये जो जॉइंट थ्योरी है
ये कहती है कि हमारी ऑर्डिनरी पार्टिकल जो कि है फॉर्म्यून्स, जब काफी हाई इंटेंसिटी में आपस में टकराते हैं तो वो कुछ ऐसे पार्टिकल को जन्म देते हैं जो 4D यूनिवर्स से जंप करके 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। क्या ये पार्टिकल हम जैसे 3D बींग्स को दिखाई देगा या नहीं? ऑब्वियसली नहीं, पर क्योंकि वो पार्टिकल काफी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके 5th डायमेंशन में गया है तो उस एनर्जी से मास और मास से ग्रेविटी पैदा करती है, और यही वजह है कि साइंटिस्टों ने उसे नाम दिया है ग्रेविटोन, एक ऐसा पार्टिकल जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट हमारे डायमेंशन में वो दिखाई नहीं देता। लेकिन एक सेकेंड, इन सब में अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ आया? सो वेल, फिजिसिस्ट एड्रियान कार्मोना, जेवियर कैस्टलानो और मैथियस न्यूबर्ट, ये तीनों अपने रिसेंट रिसर्च में एग्जैक्टली उसी को साबित करने के चक्कर में पहले डार्क मैटर के पार्टिकल तक पहुंचे और फिर एक 5th डायमेंशन पोर्टल तक। दरअसल आज से कुछ साल पहले एड्रियान कार्मोना और उनके कलीग्स को कलूजा क्लाइन थ्योरी के वजह से एक सवाल आया। सवाल ये था कि जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से किसी भारी चीज को उठाते हैं तब इनडायरेक्टली हम ये भी साबित करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और वो ग्रेविटी के रहते हुए भी किसी भी चीज को ऊपर खींच लेती है। सो व्हाट इफ ब्रह्मांड का ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक ऊपरी डायमेंशन में बैठकर ग्रेविटॉन्स को ऊपर खींच रहा हो? कुछ समझ आया? वेल, इसका कहने का मतलब है हो ना हो ग्रेविटॉन ही असल में 5th डायमेंशन में बैठा ग्रेविटी इन्फ्लुएंसिंग डार्क मैटर है जिसे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ऊपर हायर डायमेंशन में खींच लिया होगा। पर एक सेकेंड, इसे साबित कैसे करेंगे? वेल, यही सवाल उन्हें शुरू से परेशान कर रहा था कि तभी एक चमत्कार हो गया। उनके एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि जिस पार्टिकल को अब तक वो ग्रेविटॉन समझ रहे थे, एक तरह का ग्रेविटॉन या सिंपली ग्रेविटी पार्टिकल समझ रहे थे वो तो बस एक तरह का साधारण मैटर को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्म्यून पार्टिकल था जिसे हम में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्चुअली एड्रियान और उनके टीम ग्रेविटॉन और उसके डार्क मैटर की कहानी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने तंग आकर फाइनली उन्होंने पूरी कहानी ब्रह्मांड के शुरुआत से शुरू की। उन्हें लगा कि फिलहाल शायद यही सबसे समझदार फैसला है, और एक्चुअली यही सबसे समझदार फैसला आगे जाकर निकला, क्योंकि जब वो मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर, बोजोन्स, इन सब को एकदम शुरू से समझने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे ही बाय चांस उन्होंने साधारण मैटर यानी फर्मियंस को रिप्रेजेंट करने वाले मैथमेटिकल इक्वेशन और 5th डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन, इन दोनों को मर्ज करके देखा और गेस करो इन्हें क्या मिला होगा। वेल, उन्हें ये पता चला कि जैसे ही फर्म्यून आपस में काफी हाई इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं तो वो 5th डायमेंशन में पहुंचकर हमें मास देने वाले हिग्स फील्ड से जरूरत से ज्यादा इंटरैक्ट करने लगते हैं। इसका नतीजा उनका मास 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी उनसे ब्रह्मांड में ग्रेविटी तो बढ़ ही जाती है पर 5th डायमेंशन में होने के वजह से वो हमें दिखाई ही नहीं देते। अब ये कैरेक्टरिस्टिक सुनकर कुछ याद आया? यस, डार्क मैटर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च, डार्क मैटर असल में बस एक साधारण मैटर है जो कि 5th डायमेंशन में बसा हुआ है, और अगर हम करेंट लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से भी बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर बना पाए तो दो साधारण फर्मियंस को हाई इंटेंसिटी से टकराकर उसे एक 5th डायमेंशनल पोर्टल के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, हम वो काम आसानी से कर सकते हैं जो आज हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं, हम ब्रह्मांड को और भी गहराई से समझ सकते हैं, हम हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं और ब्लैक होल्स के उस पार क्या है इसे भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर अब तक आपने ब्रूस वेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्पेस वीडियोस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।